हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? सबसे पहले कल के वीडियो के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आपने डॉक्टर साहब को सुना और आप सबको उनकी बातें पसंद आई, तो उनके बिहाफ में मैं बहुत सारा शुक्रिया करती हूँ। उनका मन करता कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ वो भी सो पर्पस कर सके, यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सके, और वो आप लगभग महीने में एक बार वो आ ही जाते हैं। तो बहुत सारा वो आपको आभार प्रकट कर रहे हैं सारे कमेंट्स के लिए। चलिए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें किसी ने मुझसे चैनलिंग डीएम की बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है और रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, यस नो डाउट, कुछ लोगों को कल हैवी एनर्जी फील हुई होगी, कुछ लोगों को आज फील हो सकती है, और या कुछ ऐसा आप नेगेटिविटी से ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन पहले मैं ये एनर्जी को क्लियर करती हूँ कि नेगेटिविटी हमें क्यों पिक होती है। बेसिक जो रीज़न है, उसके अलावा तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो ट्विन जर्नी में स्पेशली, या तो आपकी चक्रास की क्लेंजिंग हो रही होती है, तो आप ही की नेगेटिविटी होती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लेंज होने को है, एंड कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप ट्रिगर होगे और फिर वो टेस्ट होगा, और फिर या फिर आपका कुछ बिना टेस्ट के भी क्लियर हो रहा हो, कुछ सेंस कुछ ऐसे ही आप रिलीज कर रहे हो, तब भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव लगता है। या हमारे चक्रास की नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ होती है, हमको अच्छा फील नहीं होता जब तक कि हम पूरे प्योर सात्विक नहीं हो जाते हैं। हमको अच्छा फील नहीं होता है, पूरे क्लेंज नहीं हो जाते हैं, ये ज़्यादातर न्यू अवेकनिंग्स में होता है, जो बिल्कुल जस्ट रिसेंटली 2-3 महीने पहले इस जर्नी पर आए हैं। दूसरी नेगेटिव लगती है आपके डीएम के कारण से, कि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो, काफ़ी अपग्रेड हुए हो, बट आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है, तब भी आप उनकी एनर्जी को पिक करते हो, बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रा, तो आप कहीं ना कहीं पिक करते हो। तो जो भी रिबर्थ प्रोसेस से वो गुजर रहे होते हैं, तो जो उनकी नेगेटिविटी है वो ज़्यादातर आप पिक करते हो, ठीक है। तो ये एक बेस है नेगेटिविटी का, कि ये ऐसी फील होने का कि क्यों अक्सर होती है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हर नेगेटिविटी कोई अटैक नहीं होती है, हर नेगेटिविटी कोई ऐसा नहीं होता है, सिंपली एक इल्यूजन टाइप का होता है, और आपको एक ऐसा सेंसेशन अंदर फील होता है, अच्छा अच्छा नहीं लगता है, एनवायरनमेंट आपको बहुत ही सैड सा माहौल, बड़ा शांत सा, ऐसे बर्ड भी नहीं चहक रहे हैं, कुछ साइन भी नहीं दिख रहा है, कहीं कोई सिंक्रोसिटीज भी नहीं हो रही है, ऐसा लगता है एकदम से ऐसे प्रकृति शांत हो गई है। जब आप किसी आपकी अपनी नेगेटिविटी होती है और उससे जब आप गुजरते रहते हो उस टाइम पे, तो ये एक बेस बता रही हूँ। आगे मैं चैनलिंग की बात करती हूँ, तो ओवरऑल इसका मतलब इन शॉर्ट क्लेंजिंग है। अब इसमें दो प्रकार के डीएम की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिनने भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे नहीं पता वो किस जर्नी पे है, बट हाँ कुछ न्यू अवेकनिंग्स के डीएम का भी रीबर्थ प्रोसेस शुरू हुआ है। तो न्यू अवेकनिंग्स के लिए बधाइयाँ, जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था, बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है, और लिटरली कल तो मेरी बौछार लगी कम्युनिटी में गुड न्यूज़ की, और भी पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, तो गुड न्यूज़ की बौछारें बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि मैं इसका हेडिंग कुछ भी हो, लेकिन इस वीडियो को मैं बोलते वक्त इसकी हेडिंग दे रही हूँ, परमानेंट हारमोनियस यूनियन। क्लेम करिए, अब भी हाल क्लेम कीजिए, नीचे करिए कि आई एम इन परमानेंट हारमोनियस यूनियन फॉर एवर, बिकॉज अब जो ये पोर्टल आने वाला है जून से लेके 88 पोर्टल तक का, आपके बहुत सारे यूनियन नहीं, परमानेंट यूनियन होने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए ये डीएम जो महाशय हैं इतने ज़्यादा एनर्जी से, मतलब इतने ज़्यादा ये लोग ग्रसित हैं, जो कि आपको उनकी हैवी एनर्जी फील हो रही है। तो जो न्यू अवेकनिंग्स वाले जो डीएम हैं, उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि न्यू अवेकनिंग्स जो लगभग 6 महीने के अंदर आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको भी चाइल्ड बर्थ या बेबी या इस प्रकार के ड्रीम्स आएंगे, तो समझ लेना कि आपके डीएम की अवेकनिंग चालू हो गई है, या कहीं आपको एग शेल कहीं दिखाई दे, ठीक है। तो ये साइन होते हैं, बट डोंट रन फॉर द साइन, जो भी साइन है वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर, आपको पीछे भागना नहीं है, और मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ अपने ये सब साइन के पिक्स मत भेजा करिए, ठीक है। बस आपने मेहनत करोगे आपका यूनियन होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी साइन दिखते रहे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ जब एक तो डीएम ये हो गए, एक वो डीएम की मैं बात करने वाली हूँ जिन लोगों के परमानेंट यूनियन होने वाले हैं, उनकी जो रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। यस, आपके मैस्कुलिन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत कंफ्यूज है, हो सकता है कि अगर आप नोट करते हो, क्योंकि नोट नहीं करना चाहिए, लास्ट सीन नहीं देखना चाहिए, बट अगर नोट किया हो तो रात रात
में जाग रहे हैं या बताते होंगे आपको कि भाई पता नहीं क्यों आजकल मेरी नींद ठीक से हो नहीं रही है, रात में नींद खुल जाती है, तो बिल्कुल वो अब अवेकनिंग प्रोसेस में है। पूरे डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड उनकी जर्नी चल रही है, एंजल्स पूरा उनको गाइडेंस दे रहे हैं और वो गाइडेंस ले भी रहे हैं। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि भाई अब मैं और रन नहीं कर सकता हूँ, एक साइकिल एंड हो रही है और एक साइकिल शुरू हो रही है। मतलब कि जो एक जो थर्ड पार्टी से उनकी साइकिल थी वो एंड हो रही है और एक साइकिल जो आपके साथ अब नई फिर से शुरू होने वाली है। सो समथिंग, मैं इस चैनलिंग को बहुत पॉजिटिव चैनलिंग बोलूँगी बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिविटी ओनली। एक बात कटु सत्य है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना और आपको चुनना इज नॉट एट ऑल ईजी। ठीक है, हमारे लिए कहना ईजी कि थर्ड पार्टी को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, जस्ट इन वन लाइन, राइट? बट सोचिए कुछ इमोशंस वहाँ पर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी डेवलप किए थे, कुछ इमोशंस आपके साथ भी हैं, तो वो कन्फ्यूज है इस वक्त। दिस इज द नेगेटिविटी, दिस इज द एनर्जी आप फेस कर रहे हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ना, क्योंकि ट्रिगर्स जो मिले हैं तो जो उनका बबल फेज रहा था या जो भी उनके उन्होंने अपने दिमाग में उनको थर्ड पार्टी को भर लिया था, जो चलती रहती थी, जो उनके मोमेंट्स थे, उन मोमेंट्स को याद करना, फिर उनको याद करके दुखी होना, फिर उन मोमेंट्स को लेट गो करना, और फिर बाद में आपके वाली भी पॉजिटिव सोचना कि देखो आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, हाउ मच डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स, और ये भी डर हो सकता है कि शायद आप इंतज़ार ना कर रहे हो। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं कि या तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो दे आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव कि देखो मैं छोड़ के चला गया बट मेरी डीएफ आज भी मुझे मेरा वेट कर रही है, आज भी वो उतना ही प्यार में है, उतनी डेडिकेटेड है। और आपकी कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो ये भी फियर हो सकता है कि भाई क्या पता अब आप उनको चुनोगे कि नहीं, मतलब मैं यहाँ से भी मैं निकल रहा हूँ बाहर, ये भी मुझे छोड़ना है, वहाँ आप भी कहीं छूट ना गए हों जिनका जो कांटेक्ट में ना हो, तो आप अब उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या कहीं आपकी बाई चांस शादी तो नहीं हो गई, या आप अब कोई दूसरे अफेयर में तो नहीं, या पता नहीं अब, तो ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग जो है ये चल रही है, तो ये नेगेटिविटी है, तो हो सकता है कि आप लोग यही पिक कर रहे हो। तो बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, बहुत सारा पेन ऑफ लूजिंग द थर्ड पार्टी, सफरिंग्स, आपको भी छोड़ने की सफरिंग, आप आओगे कि नहीं, लाइक एवरीथिंग, तो सब चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी आप लोग पिक कर रहे हो या इन दिनों पिक कर रहे हो उसका रीज़न यही है। लेकिन अब पॉजिटिव क्या है कि वो बिल्कुल छोड़ेंगे उनको और आएंगे आपके पास, ये 100% गारंटी। वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपको चुनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ही चुनेंगे, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। अगर आपने सिस्टमेटिक इनर वर्क किया, अच्छे से इनर वर्क किया है, आप अपने आपको अपग्रेड किया है, डिवाइन यूनियन किया है, डिवाइन कॉलर खींच के लेके आएगा, ठीक है? तो वो आपको चुनना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो आराम से थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे, आपके पास तरफ भी आएंगे, बट इस बीच में बहुत सारी अदर कार्मिक साइकिल्स भी वो रिलीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल आपके डीएम की ऐसी एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और हो सकता है कि इस वक्त मुझे उनके नोवा चक्रास की जो एनर्जी क्लेंस होती फील हो रही है, हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटिमेसी वाली बातें अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें, मिलना है, एक बार मिल लो, इस प्रकार से, या वॉट एवर देयर डिमांड्स वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त सेक्सुअल चक्रा हील हो रहा है, उनका फियर का इशू हील हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ने का फियर, ठीक है, या आपका वापस ना आने का फियर, और फिर उस फियर के साथ साथ जो उनकी जो हालत बनी हुई है, उनको जो हीलिंग चाहिए, उनको सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो ओवरऑल उनका रूट चक्रा और उनका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है, ठीक है? तो इस वक्त आपको ऐसे मैसेज आ सकते हैं फॉर द सेक्सुअलिटी, क्या करना है ये मैं टिप में बताऊँगी आपको नीचे अभी। अच्छा, एक चीज़ ये कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों आपके पास वो आना चाहते हैं? द मेन थिंग, थर्ड पार्टी तो छूट ही रही है, कोई चॉइस ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी ने अब नहीं चुनना है उनको, और वो अब उस पेन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो उनके एक ऑप्शन आप ही हो।
लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज वो ये देख रहे हैं कि जब मैं इतना परेशान हूँ तो आप इतने खुश हो अपनी लाइफ में, आप इतना शाइन कर रहे हो, आप इतना ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो या वो आपकी कुछ खबर रखते हो, तो वो ये सोच के बहुत शॉक्ड है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, वो परेशान है और आप इतने खुश हो। ठीक है, तो ओवरऑल सीधा सा जवाब है कि भाई आपने एंजल के गाइडेंस को सुना है, समझा है, काम किया है, वो काम नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल एंजल उनको गाइडेंस दे रहे हैं और अब वो उस गाइडेंस को उनको लेना ही पड़ेगा, वो लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हैं, अपने अपने रूट चक्रा सेक्रल चक्रा की एनर्जीज को क्लेंस कर रहे हैं और बिल्कुल वो आप परमानेंट यूनियन की मुझे एनर्जी आ रही है क्योंकि मुझे इस बार कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है उनका। वो उनको विजडम एंजल्स का मतलब जो गाइडेंस है विजडम बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, और बहुत ही कमिटमेंट वाली एनर्जी, मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, यूनियन की एनर्जी फील हो रही है कि अब वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनको परेशान नहीं करना कि वो जल्दी से बोलें। ठीक है, नहीं, याद रखिए दिस इज़ द डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी, इसको जर्नी को आप बिल्कुल नेचुरली होने दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। कमिटमेंट के पीछे भागोगे या मैरिज के लिए तो मतलब कि अभी आपका भी इनर वर्क पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कमिटमेंट या शादी इज़ अ 3D रिचुअल एंड लव इज़ बियॉन्ड। ट्रू लव इज़ नॉट कि हम किसी को पजेस कर लें, ट्रू लव इज़ नॉट कि हम किसी को हासिल कर लें, यू नो, ये हमारी पॉजिटिव, किसी शादी करने की बहुत एक्सट्रीम डिज़ायर, ये हमारे अंदर की पॉजिटिवनेस है, उसको पजेस करना है, उसको अपना बनाना है, ये हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी है। ठीक है, हम किसी चीज़ों को जितना फ्री फ्लो होने देंगे, हम एक अनकंडीशनल लव करेंगे। शादी करके हम अपनी इनसिक्योरिटी को वैलिडेट कर रहे हैं कि ठीक है देन आई विल बी टेंशन फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, तो शादी इज़ नॉट एट ऑल कोई ऐसा वो नहीं है कि शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड इट, याद रखिए शादी के बाद भी लोग कम्युनिटी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, क्योंकि लव इज़ नॉट द मैरिज, लव इज़ नॉट द पजस करना, लव इज़ लव मीन्स किसी को, किसी फूल को उस पेड़ पे उगा हुआ देख के खुश होना। लव इज़ नॉट कि हम किसी बर्ड को पिंजरे में बांध लें और हम उसको अपने घर में रख लें, पक्षी को पक्षियों को आसमान पे उन्मुक्त उड़ने उड़ता देख के खुश होना। और बहुत सी DM सेशन में मेरे पास आती हैं, मतलब मेरा DM तो थर्ड पार्टी में बहुत खुश है, आपको जलन हो रही है या उसकी तो बड़ी ग्रोथ हो रही है, मतलब लगता है मैं यहाँ इतनी परेशान, उसकी बड़ी ग्रोथ हो रही है, आप ग्रोथ देख के खुश, आप दुखी हो रहे हो तो आप लव नहीं करते हो आप। तो ट्रुथ इज दिस कि इस जर्नी पे लव करके आप यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, इस जर्नी पे आके आपने लव करना सीखा है। एंड द लव इज अनकंडीशनल लव, ट्रू अनकंडीशनल लव इज द लव, द डेफिनेशन ऑफ लव। पहले आपके अंदर पॉजिटिवनेस थी, कोई अच्छा लगा, आंखों को भाया, उसको पाना है, उसको हासिल करना है, शादी करना है, ये सोच के आप इन चैनल्स तक आए या इस जर्नी पे आए, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई और अब अवेकनिंग के बाद आप सीख रहे हो एक्चुअली में लव करना। एंड लव करना मतलब कि बस आप अपने ट्विन फ्लेम को बस आंखें बंद करके विजुलाइज करते हो एंड यू फील लाइक वेरी पीस, आपको अंदर से एक शांति मिल रही है, एक खुशी मिल रही है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। दिस इज अनकंडीशनल लव। और ये लव ऐसे ही नहीं आता है कि मैंने यहाँ बोल दिया वो लव आपको आ जाएगा, क्योंकि उस लव तक, इस अनकंडीशनल लव को फील करने के लिए ही भगवान ने आप लोगों को इनर वर्क करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो रेसिस्टेंस, वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स निकलेंगे नहीं, आप किसी को अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते हो। और आप अपने DM को ही नहीं करना सीखोगे, आप लोगों को ही करना नहीं सीखोगे, मदर अर्थ के लिए कहाँ से अनकंडीशन लव आएगा आपको? मदर अर्थ के लिए क्यों, हम क्या करना मदर अर्थ के लिए प्रेयर करके क्यों आएगा भाई? क्या है आपको तो यही पता नहीं है कि आप इतने आराम से यहाँ पर रह रहे हो विदाउट पेइंग एनी रेंट, राइट? आप आराम से यहाँ पर, जैसे DF ने वीडियो में कहा था कि आप यहाँ पर आराम से यहाँ रह रहे हो, यहीं पर शादी करनी है, यहीं पर बच्चे करने हैं, यहाँ पर सब कुछ करना है इस मदर अर्थ में, एंड यू आर नॉट एट ऑल पेइंग एनी रेंट।
और ये आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है वॉर्स हो रही है तो होने दो, हमारा क्या जा रहा है। मैं आप लोगों को एक एहसास कराना चाहती हूँ मदर अर्थ के दर्द का। अगर आप अपग्रेड होते हो और कोई आपके सामने चिल्ला रहा हो तो उसकी गंदी वाइब्रेशन जब आपके अंदर जाती है ना कुछ सिगरेट के धुएं की तरह, तो हम अंदर से सफोकेट होते हैं। सिर्फ कोई चिल्ला रहा हो तो आप सफोकेट होते हो। जस्ट इमेजिन कि हमारी मदर अर्थ के ऊपर क्या क्या हुआ है। आज किसी से मैंने एग्जाम्पल में यही बोला, जस्ट इमेजिन अ वुमन इज देयर और उस कितने उसके ऊपर लोग उसके संग गलत कर रहे हैं। एग्जैक्टली विजुलाइज कि मदर अर्थ के ऊपर क्राइम्स भी हो रहे हैं, रेव्स भी हो रहे हैं, गलत हरकतें भी हो रही हैं, वॉर्स भी हो रही हैं, पॉलिटिक्स भी हो रही है, कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है, एक मदर अर्थ का सब मिलके रेप कर रहे हैं और वो कांप रही है, राइट? तो ये फीलिंग, ये एहसास, ये जो अनकंडीशनल लव कैसे आपके अंदर आएगा, जब तक कि आप अनकंडीशनल लव सीखोगे ही नहीं। और अनकंडीशनल लव तब आपके अंदर आता है जब आप सारी टॉक्सिन्स को, लेयर्स को अपने अंदर से उतार लेते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न यू, इट इज़ असेंशियल टू डू अ सिस्टमेटिक इनर वर्क विच फास्ट ट्रैक योर जर्नी। बहुत जल्दी जल्दी आपकी लेसन लर्निंग्स होती हैं एंड आप उस लेवल तक पहुँचते हो जहाँ आप यूनियन को डिज़र्व करते हो। सो ओवरऑल ये डीएम क्रिएटिव जाते जाते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, वंस अगेन मदर अर्थ के लिए इमोशनल हो गई। ये मेरे इमोशंस हमेशा हर पल हर क्षण रहते हैं, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ मदर अर्थ के लिए ही आए थे। नेवर एवर फॉरगेट कि हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स सिर्फ यूनियन में आएंगे और प्यार करेंगे, शादी करेंगे और दैट्स वी आर डन, ठीक है? ऐसा नहीं है। यहाँ पहले सिखाया जा रहा है कि पहले अपने डीएम से सच्चा प्यार करना सीखो, सबसे सच्चा प्यार करना सीखो। एंड व्हेन यू विल लर्न टू डू द ट्रू अनकंडीशनल लव, व्हेन यू विल बिकम द एम्पैथेटिक, ट्रूली एम्पैथेटिक, तभी आप मदर अर्थ को सर्व करने के लिए तैयार हो पाओगे। सिर्फ मदर अर्थ को सर्व करना है इसलिए ट्विन फ्लेम्स आए, ऐसे बोल के आप मदर अर्थ को सर्व कर ही सकते, वो भावना ही नहीं आएगी, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो वो फीलिंग कोर से आने के लिए First, it is essential for you to learn the unconditional love for everyone, each and every entity, individual, animals, plants, everyone, including your DM. ठीक है? So, it is essential to do inner work. It is essential to do divine union. तभी आप Mother Earth को core से serve कर पाओगे. ठीक है? अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all. And all right, मैं मदर अर्थ के इमोशंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताना भूल गई, उन लोगों के लिए जो कि जिनकी डिवाइन मैस्कुलिन लस्ट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या करना है दोस्तों, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए खूब प्रे कीजिए कि यूनिवर्स, डिवाइन जिसको भी आप मानते हैं, कि उनके अंदर से इस ऊर्जा को हील करें। ये नहीं कि वो लस्ट की ऊर्जा में है तो हम भी उनसे वही बातें करें या उनकी सारी एनर्जी को फुलफिल करें, या हम ये डरे कि कहीं वो हमको छोड़ के ना चले जाएँ। हम प्रे करें, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस हिम कि उनके अंदर मेरे लिए एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सात्विक, बहुत ही सच्चा प्रेम हो, और उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी लस्ट की एनर्जी है, सेक्शुअल एनर्जी है, उसको आप हील कीजिए। और साथ ही साथ प्रे करिए कि उनके सारे ब्लॉकेजेस, उनके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएं। प्रे करिए उनके सारे जो एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस उनको प्रॉपरली मिले, वो समझे, और जल्दी से हम लोग एक बहुत खूबसूरत यूनियन में आए और मदर अर्थ को सर्व करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसको आप बिल्कुल फॉलो करिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।